पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अब दिल्ली पुलिस ने भी एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और पत्रकार सबा नकवी के खिलाफ FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और गलत जानकारी देने के खिलाफ कुल 8 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज की है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में शादाब चौहान, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीना और पूजा शकुन का भी नाम शामिल है। FIR दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस अब इन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की तैयारी में है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इन सभी लोगों पर समाज में वैमनस्य फैलाने और भड़काने और आपसी भाईचारे में दरार डालने के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी पहले ही नुपुर को पार्टी से निलंबित कर चुकी है, जबकि नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया है और नुपुर को तो बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से ही निलंबित कर दिया गया है। वहीं इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ही नुपुर शर्मा और उनके परिवार को सिक्योरिटी दी थी, क्योंकि नुपुर ने आरोप लगाया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसी को लेकर 27 मई को नुपुर ने अपने ट्वीट में कहा था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर मुझे, मेरी माँ, बहन और पिता को जान से मारने, रेप और गला काटने की धमकी दी जा रही है। मैंने दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में बता दिया है। मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों के साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड करते हुए कहा था कि वे सभी धर्मों का सम्मान करती है और वे उन विचारधाराओं का घोर विरोध करती है जो किसी धर्म या समुदाय का अपमान करें। आपको बता दें कि नुपुर द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया था। खाड़ी देशों से लेकर तमाम मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया था और भारत सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग की थी। हालांकि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर PM मोदी पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते। आप कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को। वहीं मौलाना मदनी बीजेपी द्वारा नुपुर पर की गई कार्रवाई को एकदम सही ठहरा रही है। उनका कहना है कि अब सरकार को इन लोगों को कानून के कटघरे में लाना चाहिए। मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। उसकी सराहना करते हुए मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेगी और इनको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने का इंतज़ाम करेगी।